students, welcome to Biotech World. In today's video, we will study about an experiment which led to the discovery of RNA as a genetic material. So this experiment was conducted by Frankel Corret and B. Singer in 1956. 1956 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रैंकल कॉरेट एंड बी सिंगर के नाम के दो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. दे वर्कड विद टोबैको मोज़ेक वायरस, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स एंड कॉज द डिजीज इन टोबैको प्लांट्स. अब इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV के ऊपर इन्होंने वर्क किया था. ये जो वायरस होता है, ये जो टोबैको प्लांट्स की लीव्स होती हैं, ये टोबैको प्लांट होता है, उसको ये डिजीज़ कॉज करता है, उसमें उसको ये इन्फेक्ट करता है. TMV हैज़ अ प्रोटीन कैप्सिड एंड RNA इनसाइड. अब जो वायरस होता है, मेनली हमने देखा है कि उसके ऊपर एक कैप्सिड होती है प्रोटीन्स की. तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसके ऊपर भी एक प्रोटीन की कैप्सिड है और अंदर क्या है? RNA है, राइट? दे सेपरेटेड द प्रोटीन कोट एंड द RNA एंड यूजेज देम टू इन्फेक्ट टोबैको लीव्स. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वायरस का प्रोटीन कोट और उसका RNA दोनों को सेपरेट किया और फिर उसको यूज़ किया इन्फेक्ट करने के लिए किसको? टोबैको मोज़ेक वायरस, सॉरी, टोबैको लीव्स की, प्लांट की लीव्स को, राइट? व्हेन ओनली द सेपरेटेड प्रोटीन कोट वाज यूज्ड, नो इन्फेक्शन अकर्ड. अब सिर्फ प्रोटीन कोट से जब उन्होंने इन्फेक्शन करने की कोशिश की तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. व्हेन ओनली RNA वाज यूज्ड, इन्फेक्शन अकर्ड ऑन टोबैको लीव्स. अब जब सिर्फ RNA को यूज़ किया उन्होंने इन्फेक्शन करने के लिए टोबैको लीव्स में, तो इन्फेक्शन तो जो था वो हो गया. When the separated protein coat and RNA were recombined, entire tobacco mosaic virus particles were reconstructed. Infection occurred in tobacco leaves. अब जो दोबारा recombine किया गया उस वायरस के प्रोटीन कोट को और RNA को, तब भी infection जो है वो हो गया tobacco leaves में. Now they selected two strains of tobacco mosaic virus. टोबैको मोज़ेक वायरस ए विच कॉजेज मॉटलिंग ऑफ लीव्स, टोबैको मोज़ेक वायरस बी विच कॉजेज रिंकल पैटर्न्स ऑन लीव्स. अब उन्होंने दो स्ट्रेन्स जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के, TMV के, वो सिलेक्ट किए, TMV ए और TMV बी. Now the protein and RNA part of each strain were separated and chimeric TMV particles were generated. Chimeric TMV particles means टाइप ए का RNA उन्होंने किसके साथ कंबाइन कर दिया? टाइप बी के प्रोटीन के साथ. और टाइप बी का RNA किसके साथ कंबाइन कर दिया? टाइप ए के प्रोटीन के साथ. तो ये है काइमेरिक TMV पार्टिकल्स, राइट? मींस प्रोटीन दूसरे उसका और जो RNA है वो दूसरे वायरस का, और जो टाइप बी का प्रोटीन है उसके साथ टाइप ए का प्रोटीन लगा दिया, ठीक है? सॉरी, टाइप बी के RNA के साथ टाइप ए का प्रोटीन लगा दिया और टाइप ए के RNA के साथ बी का प्रोटीन लगा दिया, राइट? दे मिक्स द RNA ऑफ वन टाइप विद प्रोटीन ऑफ अदर टाइप टू क्रिएट हाइब्रिड वायरसेस. अब एक का RNA दूसरे के प्रोटीन के साथ लगा दिया, क्या बनाने के लिए? एक हाइब्रिड वायरस बनाने के लिए, राइट? द हाइब्रिड वायरसेस आर नाउ यूज टू इन्फेक्ट द टोबैको लीव्स. अब ये जो हाइब्रिड वायरसेस बने थे इस कॉम्बिनेशन से, उन्होंने इन हाइब्रिड वायरसेस को यूज़ किया टोबैको लीव्स में इन्फेक्शन करने के लिए. नाउ रिजल्ट्स क्या हुए? रिजल्ट्स में आया RNA ए एंड प्रोटीन ए, RNA बी एंड प्रोटीन बी. बट जो हाइब्रिड थे उनमें तो RNA एक उसका था और प्रोटीन दूसरे स्ट्रेन का था. प्रोटीन बी का है अगर RNA ए का है, RNA अगर बी का है तो प्रोटीन किसका है? प्रोटीन ए का है. बट जो रिजल्ट्स आए उसमें तो RNA भी ए का ही था और प्रोटीन भी ए स्ट्रेन का ही था, RNA बी का था और प्रोटीन भी बी का था. तो द टाइप ऑफ RNA इन द हाइब्रिड पेरेंट, TMV, डिटरमिन्स द RNA एंड प्रोटीन ऑफ द प्रोजेनी,
वायरसेस। अब जो आरएनए है किसी हाइब्रिड में प्रेजेंट है, जो पेरेंट हाइब्रिड में आरएनए प्रेजेंट है वो डिटरमिन करेगा कि आरएनए और प्रोटीन कैसा बनेगा उसकी प्रोजेनी में। अब जिसमें आरएनए ए था हाइब्रिड में, उसकी जो प्रोजेनी है आगे उसमें आरएनए ए बना और उसके साथ प्रोटीन भी सेम उसका बना, सेम स्ट्रेन का प्रोटीन बना। और जिसमें आरएनए बी था उसकी भी प्रोजेनी में आगे आरएनए बी ही बना और प्रोटीन भी प्रोटीन बी बना। सो इससे ये पता चलता है कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर।